वेलकम टू ट्रबल शूट टेक। अब जो मैं अभी ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ वो यस्कावा सिग्मा 7 है। इसको जो है ना मैं सिग्मा विन प्रो सॉफ्टवेयर से चलाना देखो बताता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर लिया था, इसको खोला। सिग्मा विन प्लस प्रो नहीं है, हाँ सिग्मा विन प्लस है, ठीक है। तो ये सिग्मा 7 मैं सर्वो ड्राइव यहाँ से ये ऑन कर लेता हूँ। मैंने इसमें कनेक्शन वगैरह ये बना रखे हैं सारे, ठीक है। मैंने फैक्ट्री रीसेट लगाई थी, फैक्ट्री रीसेट लगाने के बाद ये कंडीशन है, ठीक। अब ये मैंने, अब देखो मैं यहाँ पर कम्युनिकेट करना आपको बताता हूँ सीधा सीधा। ये खुलकर ये हम इसकी शक्ल सूरत ऐसी आएगी, ऐसा आएगा ये, ठीक है। क्या पता आपका ऐसा आए, यहाँ पर कुछ आए नहीं, ये ऐसा गायब जैसा ऐसा दिखेगा। तो हमें यहाँ होम पर ये दिख रहा है, ये होम यहाँ पर हमें टिक कर लेना है। तो यहाँ पर कनेक्ट दी सर्वो में यहाँ जाना है, ठीक। मैंने पहले कनेक्ट की थी इसलिए यहाँ आ गई है, नहीं तो यहाँ होता है ना सर्च, यहाँ आपको सर्च करना है। सर्च में सेट करना है कि किस से कनेक्ट कर रखा है। तो मैं कनेक्ट करूँगा भाई USB से। ये इसमें इस टाइप की USB लगती है, ये जैसे पहले जो चाइनीज़ मोबाइल नहीं चलते थे उनमें जो आती है USB, शायद मिनी होती है ये USB मिनी। मैंने ये यहाँ PC से कनेक्ट कर दी। अब मैं यहाँ पर देखो ये USB से कनेक्ट कर रखी है और यहाँ मैं सर्च करता हूँ। तो मैंने सर्च की, देखो ये सर्वो आ गई है सिग्मा 7 और यहाँ पर मैंने ये कनेक्ट कर दी। अब ये कनेक्ट हो रही है, अब ये कनेक्ट हो चुकी है, तो ये खुल गई है। देखो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, अगर यहाँ पर कोई अलार्म वगैरह आएगा तो पावर के ऊपर अलार्म आता है, ठीक है, पावर के ऊपर कोई भी अलार्म। अब यहाँ पर अभी कोई भी अलार्म नहीं है, तो हम इसकी डिटेल में चले जाएंगे यहाँ से मेन्यू से, और ये इसकी डिटेल आ गई। पैरामीटर सेट करना हो, जॉब वो सब कुछ यहाँ पर आ गई। ऐसा यूजर इंटरफेस, अब मैं इसमें बताता हूँ जॉक पर चलाना। जॉक के लिए हम जॉक पर चले जाएंगे, यहाँ पर इसको ओके कर देंगे, ओके हो गया। यहाँ सर्वो ऑन हम करेंगे, यहाँ सीधा सर्वो ऑन, और उसमें सिंक आवाज़ आ रही है, सर्वो पर सिंक आवाज़ देखो ये आ रही है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मोटर यहीं रखता हूँ यहाँ पर, तो देखो अब ये जाम हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ, इधर गया, ये ऑफ करता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर USB रिकॉग्नाइज वो क्या होता है वो आया, मुझे लग रहा है शायद कम्युनिकेशन टूट गया है, हाँ कम्युनिकेशन एरर हो गया, एक मिनट, इसमें कम्युनिकेशन टूट गया। मैं इसको कम्युनिकेट करता हूँ, इधर गया, जॉग में गया, ओके सर्वो ऑन हो गई कम्युनिकेट, ठीक है, ये हिल गई थी। अब एक मिनट मैं देखो इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ करता हूँ तो अब हमारी ये नॉर्मल घूम जाएगी। अब मैं इसको ऑन करूँगा, ये ऑन, तो अब ये ऑन हो गई है, टाइट हो गई, ठीक है। अब इसको फॉरवर्ड या रिवर्स हम किधर भी चला सकते हैं, इसको दबाए रखना होता है, ठीक है। तो हमारी ये चलती चली जाएगी, ये रिवर्स चल रही है, इधर से चलेगी ये फॉरवर्ड, ठीक है। और पूछना हो बस दो तीन दिन के लिए है ये मेरे पास, जो कुछ पूछना हो वो भी पूछ लो, नहीं तो फिर ये चली जाएगी, रिपेयर होने आई थी मेरे पास। चलिए ठीक है।